देश में भगवान राम के मंदिर को बनाने को लेकर जहां बहुत सारी अटकलें चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आज राम मंदिर निर्माण की बातें और उनके लिए चंदे का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। ऐसे में वहीं चंपत राय जी के ऊपर एक अचानक अर्गनल सी बातें होने लगीं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होने लगे। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे पदाधिकारियों ने इसको सफाई देने की कोशिश की, मुख्यमंत्री द्वारा भी इसके लिए बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष विश्व हिंदू परिषद पर हावी होता दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयोजक, बात करेंगे कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो इस घोटाले को, जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, किस तरह वो सफाई देंगे, और विपक्ष के जो हावी होते हुए मुद्दे हैं उनको हटाने का प्रयास करेंगे। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या धन्यवाद, कहना जय श्री राम। चाहेंगे भगवान राम के ऊपर जो आजकल उनके मंदिर को लेकर चंपत राय जी के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जवानी जंग चल रही है, अखिलेश यादव जी तंज कर रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये जो कहने वाले लोग हैं, इसमें चाहे अखिलेश यादव जी हों और ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हों, मैं इन लोगों ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने चंदे के नाम पे एक रुपया नहीं दिया होगा, और जिन्होंने जो हमारे भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें हमेशा रुकावट बनने का काम किया होगा। आज ये लोग ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी ने उसमें घोटाला कर दिया। ये जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, इनको राजनीति की जब ABCD नहीं पता होंगी, और मेरे ख्याल से इन्होंने ABCD ही नहीं सीखी होंगी, उस समय से चंपत राय जी समाज के कल्याण में लगे हुए हैं। चंपत राय जी वो हस्ती हैं जिन्होंने भगवान राम का ही स्थान है अयोध्या मंदिर, उसी स्थान को इस कलयुग में प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से उच्च न्यायालय में केस लड़ा। और चंपत राय जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने चने खाकर अपना जीवन यापन कर दिया। वो व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो किसके लिए घोटाला करेगा? ये लोग बोलते हैं राहुल जी कि चंपत राय जी ने, और जो अयोध्या न्यास है हमारा, कि 2011 में 2 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया था साहब। अरे, इन मूर्खों से ये पूछना चाहिए कि 10 साल में जंगल में भी मंगल हो जाता है, वो अयोध्या जो कि हमारे देश का इतना भव्य, शायद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बन रहा है, तो वहाँ शेयरों की तरह जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं। मैं बताता हूँ, मेरे ही कोई परिचित थे, 2 दिन पहले उन्होंने पूछा 4,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट थे, और 2-4 दिन बाद वहाँ 6,000 रुपये स्क्वायर फीट के, मतलब शेयर मार्केट की तरह जहाँ रेट बढ़ रहा है। तो ये मूर्खों से पूछना चाहिए कि 10 साल में 2 करोड़ रुपए के 18.5 करोड़ रुपए में हमने सौदा कर लिया, तो क्या गलत किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय सिंह ने खुद ही कहा कि भाई, इस जमीन का जो सर्किल रेट है वो 5,70,00,000 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये संजय सिंह ने बोला। तो जैसा कि हमारी जो उत्तर प्रदेश में मुआवजा मिलता है, कोई ज़मीन एक्वायर होती है जब, तो वो 4 गुना मुआवजा मिलता है। तो इन मूर्खों से पूछना चाहिए कि उसकी कीमत तो पहले ही 22 करोड़ रुपए हो गई, अगर मुआवजा देना पड़ जाता तो भगवान राम का वास्ता दे के चंपत राय जी के कहने पर ही जमीन के जो मालिक थे उन्होंने उस जमीन को हमको 2.5-3 करोड़ रुपए सस्ता दिया। तो मोदी जी सर्वदलीय बैठक हुई है मोदी जी के 48 घंटे पहले, और आज जम्मू कश्मीर में एक अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं ग्रेनेड का हमला किया गया है। मोदी जी द्वारा महबूबा मुफ्ती को बुलाया गया और अब्दुल्ला जी को बुलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी पाकिस्तान की तरफ राग अलाप रही हैं, उनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर की बात कर रही हैं। देखो, जो ये महबूबा मुफ्ती जो हैं, ये पाकिस्तान की महबूबा हैं। आप देखिए, एक तरफ मोदी जी जम्मू कश्मीर की जमहूरियत लौटाने के लिए सभी दलों को बुला रहे हैं, कश्मीर के विकास के लिए बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने इतना शर्मनाक बयान दिया है। वो कहती हैं कि आपको हम सबसे तो बात करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी। अरे भाई, जम्मू कश्मीर विश्व पटल पर मोदी जी कह चुके हैं कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, तो पाकिस्तान से हम क्यों बात करें? उस पाकिस्तान से बात करें जैसा कि आप बता रहे हो, मेरे को संज्ञान में नहीं है कि आप जैसा कि बता रहे हो कि आज
ग्रेनाइट हमला हुआ है। तो ये महबूबा का प्यार है ना, तो ये हमारे देश के कुछ ऐसे वतन परस्त नेता हैं जिनकी वजह से हमारी देश जिनकी करनी को हमारे देश की आवाम को झेलना पड़ता है। आज देखिए ग्रेनाइट हमला हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसी महबूबाएँ जो हैं वो इन हमलों में शामिल हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि पुरानी कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए, तो उसी तरीके से घर के बेदी हैं। मैं मोदी जी से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि ऐसी महबूबाओं को या तो आप पाकिस्तान भेज दीजिए, अन्यथा ऐसी महबूबाओं की जगह दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर है, इनको तत्काल तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, या फिर इन ऐसे मौका परस्त नेताओं को तत्काल पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नवीन जी, बात करें अगर जैसे विपक्षी दल तमाम तरह के तंज कस रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कोई एक स्पेशल ब्रिगेड की आवश्यकता नहीं है क्या आपके पास? अरे ब्रिगेड की तो हमारे जो हम एक ब्रिगेड का निर्माण कर चुके हैं, उसका नाम है यम ब्रिगेड। यम, यम का क्या तात्पर्य है? यम से क्या सब अर्थ क्या है? ये यम, पहले तो मैं बता देता हूँ, इस तात्पर्य भी बताऊँगा आपको। ये जो हमारी यम ब्रिगेड जो है, ये देश विरोधी नीति वाले जो चाहे नेता हों चाहे आतंकी हों, उनके विरुद्ध काम करने के लिए बनाई गई है, जो कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के कुकर्म जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे शिकंजा कसने के लिए बनाई गई है। अब मैं बताता हूँ यम ब्रिगेड। यम ब्रिगेड से, यम तीन अक्षरों से मिलकर बना है, YAM, वाई योगी श्री आदित्यनाथ, जो कि फायर ब्रिगेड हिंदूवादी नेता हैं, अमित शाह, जो कि ऐसे कुकर्मी नेताओं को और जो देश विरोधी जो लोग हैं उनको कुचलने में सक्षम हैं, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी। वो एम से मेरा तात्पर्य है नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि इन तीनों, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, इन तीनों के समागम में एक हिंदुत्व की संविधि का निर्माण हो रहा है। और आने वाले समय में मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि 21वीं जो सदी है उसको हिंदुत्व की सदी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इन्हीं के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। 370 धारा 370 हुए, अयोध्या मंदिर हुआ, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कामों को इस हमारी यम ब्रिगेड के अंतर्गत किया गया। और यम ब्रिगेड मैं बता दूं, ऐसे दुष्टों का काल है यम ब्रिगेड, जो कि आगामी समय में आपको दिखाई देगा, ऐसे दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए बनाई गई है यम ब्रिगेड। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। तो सुना आपने, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयोजक का कहना है कि यम ब्रिगेड का निर्माण जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश में कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उनको नष्ट करने के बनाई गई है। और यम से आपने सुना ही होगा, वाई से योगी आदित्यनाथ जी, ए से अमित शाह जी, और एम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद का ये ध्येय रहता है कि धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसकी रक्षा खुद स्वयं धर्म करता है। तो देखना होगा कि आखिर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयोजक की बातों में कितना दम दिखाई देता है, और विपक्षी दलों के नेताओं को किस प्रकार अपनी चुप्पी को साधना पड़ता है। मथुरा से अपने कैमरा पर्सन अंकित शर्मा के साथ राहुल राघव, समाचार सचिव 24। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।